तो 8 महीना क्या 80 महीना में हो जाएगा तो काम कैसे? 2 मिनट इस पर समय दिया है, 2 मिनट खाली। आप ये है अच्छा, हम बोल रहे हैं शिक्षा विभाग पटना द्वारा बहुता सूची तैयार की शुरुआत हुई है, किस विभाग से जुड़े आज मामले आए हैं? सही बात है कि आज से फिर से मतलब पार्टी में मंत्रियों की उपस्थिति का सिलसिला शुरू हुआ है। आप जानते हैं कि ये हम लोगों के सरकार की नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये एक अनोखी पहल होती है, जब जो सरकार में मंत्रीगण होते हैं वो पार्टी दफ्तर में आकर खास तौर से पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपने विभाग से जुड़े मामले या शिकायतों को सुनते हैं और उसके निदान का प्रबंध करते हैं। और इसी सिलसिले में कुछ दूसरे लोग भी आ जाते हैं, सामान्य लोग भी आते हैं, तो हम लोग उनका भी सुन लेते हैं। वैसे तो सभी मंत्रीगण अपने कार्यालय में आवास पर मिलते ही हैं, लेकिन पार्टी दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी के मंत्रियों के मिलने का एक विशेष महत्व होता है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी एक गौरव बोध होता है, उनको भी लगता है जो मंत्री हैं, हम लोग भी मानते हैं कि हम लोग भी आज मंत्री हैं तो पार्टी के बल पर ही हैं, नेता के ही बल पर है। तो पार्टी दफ्तर में आके कार्यकर्ताओं से मिलना, उनकी बातों को सुनना और उनके लिए कुछ करने की चाहत हम लोगों की भी होती है। इसलिए ये न सिर्फ एक अनोखी पहल है बल्कि अच्छी परंपरा है। और एक लंबे अंतराल के बाद 2 साल करीब कोरोना में आ गया, फिर चुनाव हो गया, फिर विधानसभा सत्र चलने लगा, नहीं तो इसकी फिर से शुरुआत करने की सोच हम लोगों की लगभग 3-4 महीने पहले से चल रही थी, लेकिन बीच में विधानसभा सत्र हो गया, फिर चुनाव सब आ गए, लेकिन अब शुरुआत हो गई है। धीरे धीरे लोग भी देख रहे हैं, धीरे धीरे आना शुरू कर रहे हैं, लोगों के पास धीरे धीरे बातें पहुंचती हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोग आते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छी परंपरा भी है और इसके अच्छे नतीजे भी आते हैं। देखिए, ये पहले से ही इसकी शुरुआत की गई है पार्टी के द्वारा। बीच में कोरोना का समय आ गया, फिर विधानसभा सत्र चालू हो गया, इसके कारण थोड़ा लंबे अंतराल के बाद फिर से पार्टी दफ्तर में सभी हमारे माननीय मंत्रीगण बैठते हैं, जो तिथि निर्धारित है, तो आज हम लोग भी उपस्थित हुए। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं या आम लोग हैं, उनकी जो समस्या रहती है उसको सुनते हैं और उनका समाधान करने का भरसक प्रयास करते हैं। ये पार्टी के द्वारा बहुत ही अच्छी पहल है और सभी मंत्रीगण उपस्थित होते हैं, सभी समस्या सुनते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।